अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। मेरा नाम है रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने लगा है मैंगो डिलाइट। तो जैसा कि मैंगोस का सीजन है और मैंगोस हर एक के फेवरेट होते हैं, तो आज हम ये डेजर्ट मैंगो से रेडी करेंगे। इसके लिए ऑलमोस्ट मैंने 1 किलो दूध ले लिया है, 700 ग्राम मैंने फ्रेश डेयरी मिल्क जो होता है वो लिया है, और 1 पाव का मैंने मिल्कपैक का डब्बा ले लिया है। मिल्कपैक से जो डेजर्ट का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा क्रीमी क्रीमी सा आ जाता है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं या इसकी जगह सूखा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने बनानास लिए हैं, फ्रूट कॉकटेल लिया है मैंने 1 कप, मैंगो प्यूरी ली है मैंने 1 कप, मैंगो उसको पील ऑफ करके मैंने उनको ब्लेंड कर लिया था, क्रश ऑलमंड्स लिए मैंने 1/2 कप, फ्रेश क्रीम ली है मैंने 1/2 कप, कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने मैंगो फ्लेवर में 3 टेबलस्पून, मैंगो क्यूब्स लिए मैंने 1 कप, टुक मलंगा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून जिसे मैंने पानी में भिगो दिया था, साबुदाना लिया है मैंने 3 से 4 चम्मच जिसे मैंने 10 से 15 मिनट पहले भिगो दिया था, चीनी मैंने ली है 1/2 कप। आप अपने मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लें, इसमें मैंने तकरीबन 1 ग्लास पानी शामिल कर दिया और इसमें आप भीगा हुआ साबुदाना मैं ऐड कर रही हूँ और इसको मैं बॉईल कर लूँगी। जब ये अच्छे से फूल जाए और नरम हो जाए तो आपने इसको छान लेना है छन्नी की मदद से और इसको सेपरेट करके आपने रख देना है। तो चलिए कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में दूध ले लिया और इसको बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है। 1 कटोरी में मैंने दूध ले लिया है और इसमें मैं मैंगो कस्टर्ड जो है वो डिजोल्व कर लूँगी अच्छे से। दूध हमारा बॉयल हो चुका है, अब इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। साथ ही इसके मैं कस्टर्ड शामिल कर दूंगी जो कि मैंने दूध में डिजोल्व करके रखा हुआ था। साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है और इसमें ये कस्टर्ड जो है वो शामिल करते जाएंगे और साथ साथ आपने लाजमी चम्मच चलाते जाना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो आपके कस्टर्ड में लम्स बन जाएंगे, तो आपने जो है वो इस बात का ख्याल रखना है। अब मैं इसमें मैंगो प्यूरी शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं या चाहे तो व्हिस्क की हेल्प से जो है वो इसको आप मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो जी इसको अच्छे से हमने डिजोल्व कर लिया है। आपने इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, आपने बस इसकी इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है, बिकॉज जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये और ज्यादा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसमें बॉइल्ड साबुदाना शामिल कर दूंगी जो कि मैंने स्टीम करके सेपरेट करके रख लिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए साबुदाना डालने के बाद भी कस्टर्ड हमारा थोड़ा सा थिक होगा, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, बिकॉज जब ये ठंडा होगा तो भी इसने जो है वो गाढ़ा होना है। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है, अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो जी कस्टर्ड को मैंने अच्छे से फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था, अब इसमें मैं बाकी की तमाम चीजें शामिल कर दूंगी। तुक मलंगा इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो इसको विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं फ्रूट कॉकटेल, मैंगोस जो मैंने क्यूब में कट किए हुए थे, क्रश आलमंड शामिल कर दूंगी मैं, 1/2 अभी शामिल करूंगी और 1/2 मैं ऊपर डेकोरेशन के लिए बचा लूंगी। क्रीम इसमें शामिल कर देंगे, बनाना सेट कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो गया है, अगर आप पहले इसको इतना ज्यादा थिक कर लेते तो अब इसने ये जेली टाइप हो जाना था। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसके ऊपर मैं जेली ऐड कर दूंगी। जेली को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, जेली को सिंपली मैंने पानी में बॉईल कर लिया था और उसको फ्रीज होने के लिए रख दिया था। सिंपली जेली को अच्छे से पूरे कस्टर्ड के ऊपर फैला फैला के डाल देना आपने। अब आप इसको फ्रूट से गार्निश कर दें, एक चेरी और पाइन एप्पल्स की हेल्प से जो है वो मैं फ्लावर सा सेंटर में इसके बना लूंगी। मजीद जेली ऐड कर दें इसमें, थोड़ी सी जेली मैंने बचा दी थी बाउल्स में ऐड करने के लिए। फ्रूट्स ऐड कर दें इस पर, मैंगोज क्यूब में काटे हुए और फ्रूट कॉकटेल जो था वो ऐड कर देना आपने, और क्रश आलमंड जो है वो इससे गार्निश कर देना आपने।
अब जी क्रीम से इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ले, मैं डब्बे से ही उसकी देखें डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। डब्बा आपने क्या करना है कि फ्रीज़र वाली क्रीम नहीं लेनी है, थोड़ी सी मेल्ट हुई भी हो क्रीम, और इसको आप इस तरह जो है वो बारीक सा कट कर लेना, ऊपर से इस तरह ज़िगज़ैग करके ऐड करेंगे ना, तो ये मतलब ईजीली आपका बगैर पाइपिंग बैग के जो है वो डिज़ाइन बन जाएगा अच्छा सा जी। तो मज़ेदार सा मैंगो डिलाइट हमारा रेडी है, आप इसको फ्रीज़र में फुल चिल करके सर्व कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।